सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सबसे पहले तो भाई थैंक यू फॉर दैट 20K सब्सक्राइबर्स, 20,000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात होती है, और थैंक यू फॉर दैट, आगे भी ऐसा सपोर्ट दिखाते रहना। अब काम की बात कर लेते हैं। सो आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के ऊपर 2 साल का बैन लग गया है। सो ऑफकोर्स सी बात है कि IPL 2020 वो नहीं खेलने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शाकिब के बैन होने के बाद हैदराबाद को कुछ नुकसान है या फिर हैदराबाद को कुछ फायदा होने वाला है, पूरा वीडियो देखना, सब कुछ समझ जाओगे। और साथ ही में हैदराबाद की टीम किन 3 खिलाड़ियों को ऑक्शन में टारगेट कर सकती है एज अ रिप्लेसमेंट, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझा देता हूं, शाकिब अल हसन का बैन होना एक तरीके से हैदराबाद की टीम के लिए अच्छी खबर है। अब यहां पर आपको पहले बता दूं, सो अगर आप देखते हो तो आप प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो, और यहां पर हैदराबाद की टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां पर आप केन विलियमसन और डेविड वार्नर, ये दोनों तो आपकी प्लेइंग 11 में फॉर श्योर 101% रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आप जॉनी बेस्ट्रो को खिलाते हो, जॉनी बेस्ट्रो आपके विकेट कीपर और ओपनिंग बल्लेबाज है, तो अगर बेस्ट्रो भी खेलते हैं तो इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और उस एक ऑप्शन में आप किन किन को खिलाने वाले हो। आपके पास राशिद खान है, आपके पास मोहम्मद नबी है, आपके पास शाकिब अल हसन भी थे, तो भाई बहुत कंफ्यूजन होता था हैदराबाद की टीम में। और वैसे भी पिछले साल शाकिब अल हसन को सिर्फ 3 मैचेस खेलने को मिले थे, और उन मैचेस में भी डेविड वार्नर और जॉनी बेस्ट्रो दोनों वापस चले गए थे वर्ल्ड कप के लिए। सो इस साल तो वर्ल्ड कप भी नहीं था, और इस साल शायद तक शाकिब अल हसन को एक मैच भी खेलने को नहीं मिलता। सो ठीक है यार भाई, हैदराबाद को यहां पर बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शाकिब अल हसन यहां पर बैन हो गए, नो डाउट हैदराबाद फिर भी एक अच्छी टीम है। आगे बात कर लेते हैं 3 रिप्लेसमेंट्स के बारे में। तो 3 नाम मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, उसमें पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का। पहले अगर हैदराबाद की थिंकिंग रहती है कि एक ऑलराउंडर की जगह एक ऑलराउंडर को ही लेना चाहिए, सो ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा अच्छा आपको ऑलराउंडर कोई नहीं मिलेगा। मैक्सवेल का फॉर्म भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैक्सवेल को आप ले सकते हो। अब मैक्सवेल को आप प्लेइंग 11 में कैसे खिलाओगे अगर खरीद लिया, वो तो हैदराबाद की टीम ही जानती है। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो होने वाले हैं जिमी नीशम। जिमी नीशम को आप एज अ बैकअप ही खरीदने वाले हो। जिमी नीशम को अगर आपने खरीद भी लिया तो हैदराबाद की प्राइमरी प्लेइंग 11 में तो नीशम बिल्कुल से भी नहीं रहने वाले हैं। जस्ट नीशम एक जॉनी बेस्ट्रो का बैकअप हो सकता है, बेस्ट्रो अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग कर लेंगे, या फिर देखना पड़ेगा, जिमी नीशम तो बैकअप ही रहेगा। तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है थोड़ी सी, और वो हो सकते हैं मिचेल स्टार्क। यहां पर अगर आप हैदराबाद की टीम उठा के देखते हो तो फॉरेन फास्ट बॉलिंग में आपके पास सिर्फ एक बिली स्टानलेक है। अगर आप स्टानलेक को रिलीज कर देते हो तो आपको एक फॉरेन फास्ट बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, और वहां पर अगर आप मिचेल स्टार्क को खरीद लेते हो शाकिब अल हसन की जगह तो बहुत अच्छी डील रहने वाली है। इसके अलावा पैट कमिंस को भी खरीद सकते हो, मैट हेनरी को भी खरीद सकते हो। यहां पर तीसरे पोजीशन पे हैदराबाद चाहे तो कोई सा भी एक फास्ट फॉरेन बॉलर ले सकती है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शाकिब अल हसन, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर तो मोहम्मद नबी है ही, जबरदस्ती ऑलराउंडर भरोगे तो भाई बहुत गंदी बात हो जाएगी। सो भाई मेरी तरफ से वीडियो आज की इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। आपको क्या लगता है कि हैदराबाद को नुकसान हुआ है या फायदा शाकिब अल हसन के बैन लगने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और किस खिलाड़ी को यहां पर हैदराबाद की टीम खरीद सकती है ऑक्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, लिख दो आप जो सोचते हो। सो फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।